हेलो गाइस, गैजेट इन्फोज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे एवोल्यूशन एक्स 6.0 जो कि रेडमी नोट 7 प्रो के लिए ऑफिशियली आया है। तो ये रोम के बारे में आज हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो इसमें क्या कुछ मिलता है, इसका परफॉर्मेंस, इसका थर्मल थ्रॉटलिंग टेस्ट, जीपीयू, गीकबेंच 5 का स्कोर, वो सारे चेक करेंगे और इसमें क्या कुछ फीचर्स मिल जाता है वो भी बताएंगे। तो गाइस, चैनल का सब गोल है 500 सब्सक्राइबर का, तो वो गाइस आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दीजिए। तो चैनल को मतलब कम्युनिटी पोस्ट अनलॉक हो जाएगा, उधर भी मैं कुछ पोस्ट कर पाऊँगा। तो गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हैं ये है एवोल्यूशन एक्स और इसमें तो गाइस चलते हैं सेटिंग्स में। तो गाइस आप लोगों को दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं गाइस ये है एवोल्यूशन एक्स जो कि एंड्रॉयड 12 के ऊपर बेस्ड है और ये है एक ऑफिशियल अपडेट स्नो 6.0 वायलेट के लिए है। और इधर आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल मिलता है 5 नवंबर का और गूगल प्ले सिस्टम अपडेट मिलता है 1 सितंबर का। और इधर आपका जो कर्नल मिलता है डिफ़ॉल्ट कर्नल वो है एज्योर कर्नल, सी लव्स मी बट आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड सेड लाइफ। इट्स ओके, चलते बैक। और गाइस इधर चलते डिस्प्ले में, डिस्प्ले के अंदर आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और इधर से आप फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज चेंज कर सकते हैं। इधर आपको नाइट लाइट भी काम करने के लायक हो जाएगा, मतलब वर्किंग है। और इधर डार्क थीम के लिए भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, इधर डबल टैप टू वेक वाला ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो गाइस चलते हैं वॉलपेपर इन स्टाइल में। तो गाइस वॉलपेपर इन स्टाइल में आपको ये 4 प्रीसेट्स आपको तो मिलता ही, वॉलपेपर बेस्ड कलर जो है। और ये है गाइस 4 बेसिक कलर जो कि मिलता है आपको। और इधर आप डार्क थीम इनेबल कर सकते हैं, इधर से आपको थीम आइकॉन का भी ऑप्शन मिल जाएगा और इधर इधर से आप अपग्रेड चेंज कर सकते हैं। और गाइस ये तो आपको मिल जाता है और इधर से आप वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हैं। तो गाइस ये तो था वॉलपेपर इन स्टाइल के अंदर। तो चलते एवोल्यूशन एक्स के सेटिंग्स में और इधर आपको फीचर्स मिलता है जो सभी कस्टमाइजेशन का। तो चलते इधर, तो गाइस थीम सेक्शन के अंदर अभी के लिए तो एक ही मतलब सेटिंग्स आपको मिलता है डार्क थीम का। और इसके अंदर कोई से भी अलग से मतलब डेडिकेटेड कोई डार्क थीम वाला ऑप्शंस नहीं है कि चारकोल ब्लैक, एमोलेड ब्लैक या क्लियर वाला, जो मतलब 6-7 जो ऑप्शन प्री इंस्टॉल मिलता है वो नहीं मिलता अभी के लिए, क्योंकि इनिशियल बिल्ड है एंड्रॉयड 12 के ऊपर। तो नेक्स्ट 2-3 बिल्ड के अंदर शायद ये आ जाए। तो ये तो है। और गाइस स्टेटस बार के अंदर आपको ये सारा ऑप्शंस आपको मिल जाता है। और गाइस नोटिफिकेशंस में आपको ये ऑप्शंस है। चलते क्विक सेटिंग्स में, क्विक सेटिंग्स में आपको ये ऑप्शंस मिल जाता है। पावर मेन्यू में गाइस आपको ये ऑप्शंस मिलता है और इधर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन भी अच्छा है, डिसेबल पावर मेन्यू इन लॉक स्क्रीन। इसका मतलब अगर आपका मतलब फ़ोन लॉक स्क्रीन के अंदर है तो इधर से आपको स्विच ऑफ करने का जो ऑप्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो ये तो अच्छा है कि मतलब अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया तो वो कैसे भी करके फ़ोन बंद नहीं कर पाएगा, तो ये अच्छा फीचर लगा मेरे को। और गाइस चलते हैं जेस्चर्स में, जेस्चर में आपको गाइस ट्रिपल स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप देखते हैं ये परफेक्टली वर्किंग है। और इधर आपको सिस्टम नेविगेशन में आपको जेस्चर के लिए ये ऑप्शन मिलता है। तो चलते बैक, इधर लॉक स्क्रीन में गाइस आपको ये ऑप्शंस मिल जाता है। बटन्स में गाइस आपको ये ऑप्शंस मिलता है, आप देख लीजिए। और गाइस मिसलेनियस में आपको ये 4 ऑप्शंस आपको मिलता है। और इधर यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी ऑप्शन मिलता है। और इधर से मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र चूज़ करके रखा ताकि मैं जब भी पीसी में इसको अटैच करूं वो डायरेक्ट मेरा फ़ाइल शो करने लग जाए, क्योंकि हर बार इसको लगाने के बाद इसको चूज़ करना पड़ता है कि फ़ाइल ट्रांसफ़र करो, उसके बाद जाके पीसी में शो होता है। तो ये ऑप्शन भी अच्छा है।
तो इसमें ये मिल जाता है। तो गाइस इसका जो बैटरी है वो दिखा देते हैं। तो गाइस अब देख सकते हैं अभी 47% बैटरी है और मैं यूट्यूब यूज़ किया ऑलमोस्ट 3.5 घंटे के आसपास। आप देख सकते हैं 3.5 घंटे के आसपास मैं यूट्यूब यूज़ किया और इसका स्क्रीन ऑन टाइम आप देख लीजिए 4.25 घंटा हो गया है और अभी भी 47% बैटरी बचा हुआ है, जो कि बहुत ही तगड़ा बैटरी बैकअप अभी के लिए मिल रहा है। और CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी मैं किया था तो इसीलिए ये आ रहा है, 4% दिखा रहा है। तो इसका जो मतलब बैटरी बैकअप है गाइस, बहुत ही मस्त वाला बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। और गाइस इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी दिखाएंगे, Geekbench स्कोर भी दिखाएंगे, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो गाइस चलते मैजिक के अंदर और आप लोगों को दिखा देते हैं सेफ्टी नेट। तो गाइस मैं मैजिक अभी मेरा तो फ्लैश है लेटेस्ट वर्जन, तो चलिए सेफ्टी नेट चेक कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं सेफ्टी नेट तो आपको पास मिल जाता है और ये विदाउट रूट पास मिलता है, विथ रूट भी पास मिलता है। तो आप अच्छे से बैंकिंग ऐप्स कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई सा भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलते प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको दिखा देते गाइस आपका जो डिवाइस है, ये डिवाइस आपको सर्टिफाइड मिलेगा। इसका मतलब आप नेटफ्लिक्स या कोई सा भी कंटेंट आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको कोई इश्यू नहीं होगा। तो ये तो है। और गाइस एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि है गूगल फोटोज़ का जो है। तो इधर आप देख सकते हैं ये तो पिक्सल का जो प्रॉप्स है वो अच्छे से वर्किंग है और आप गूगल फोटोज़ अच्छे से मतलब अनलिमिटेड बैकअप कर सकते हैं। इसमें अलग से आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस ये रोम आपको फ्लैश करके रखना है। तो आपको ये मतलब आप देख सकते हैं मोर देन 4 ईयर्स ऑफ स्टोरेज लेफ्ट, आप ये अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई सा भी इशू नहीं आएगा। प्ले मतलब गूगल फोटोज़ का आपका जो मतलब अनलिमिटेड स्टोरेज वाला ऑप्शन इधर आपको वर्किंग मिल जाता है, ये है। तो गाइस इसका परफॉर्मेंस टेस्ट कर लेते हैं। ओके गाइस अब देख सकते हैं ये है CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट, जो कि मैं 12 मिनट 21 सेकंड तक टेस्ट किया था। और ये है CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट का स्क्रीनशॉट और इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं इधर डाल दूंगा ताकि आप अच्छे से देख सकते हो। और इसका जो मैक्स GIPS है वो है 137.624 और मिनिमम जो है वो है 126.063 GIPS और एवरेज जो है 134.871, जो कि अच्छा स्कोर है। और इधर आप देख सकते हैं CPU थ्रॉटल टू 95% ऑफ इस मैक्स परफॉर्मेंस, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। और इधर आपको कोई सा भी मतलब बॉटलनेक या थ्रॉटलिंग के लिए बहुत ज़्यादा वो ग्राफ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि 95% तो आप इट्स मैक्स परफॉर्मेंस है ही। तो गाइस इसका चलते हैं सीधा Geekbench स्कोर की तरफ। Geekbench 5 का स्कोर आप देख लीजिए, सिंगल कोर है 492 और मल्टी कोर है 1444, जो कि अच्छा स्कोर आया है। और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं डाल दूंगा ताकि आप अच्छे से देख सकते हो इधर ही। और इसका जो मतलब इंफॉर्मेशन है वो इधर दिया गया है रोम का, तो ये तो आपको मिल जाता है। तो गाइस ये रोम में और कुछ खास आपको एक्स्ट्रा जानना है तो आप नीचे कमेंट कर देना। लेकिन गाइस एक चीज़, इसके साथ जो एक कैमरा मिलता है प्री इंस्टॉल्ड वो काम नहीं करता, आपको अलग से कोई सा भी GCam यूज़ करना है। तो मैं ANX कैमरा ट्राई नहीं किया, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं GCam यूज़ कर रहा हूँ 7.4 वर्जन, जो कि परफेक्टली वर्किंग है और इसमें आपको मतलब मेरा कोई सा भी इशू नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अगर आपको ये रोम के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट कर देना। और आपको मतलब एक ही चीज़ गाइस बोलना है, चैनल का सब गोल है 500 सब्सक्राइबर का, वो गाइस कंप्लीट करा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए अभी के लिए, ताकि मैं मतलब कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ पोस्ट कर पाऊँ कि ये वीडियो नया आया है तो आप देख लेना, तो ऐसे करके। तो चलिए गाइस ये वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।